और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी घने कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में घने से ज्यादा घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही है, जिसकी वजह से कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी जीरो के बराबर होती नजर आ रही है। घने कोहरे का कहर यहां पर लोगों को सता रहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती हुई नजर आ रही है। तो पूर्व उत्तर भारत के कई राज्य घने कोहरे की चपेट में हैं। शीतलहर और ठंड ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क, रेल और हवाई सफर मुश्किल हो गया है। तो आप देखिए कहां कहां पर घने कोहरे का अलर्ट है। ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से राज्य फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इस तरफ आप देखिए नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर फिलहाल जो है घने कोहरे का कहर जारी है। घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। तमाम ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। साथ ही हवाई सफर पर भी बुरी तरह से इसका प्रभाव नजर आ रहा है। ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर घने कोहरे की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, गुना बस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि ट्रक और एक बस की आमने सामने की टक्कर हो गई थी, जिसमें 30 लोग सवार थे। जानकारी मिल पा रही है कि इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे बस हादसे की जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। इस पूरे मामले में यह हादसा कैसे हुआ है, 4-4 लाख मुआवजे का भी ऐलान मृतक के परिजनों को किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की गई है, जिनका इलाज गुना के जिला अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। तो आमने सामने की टक्कर में बस गिर जाती है, जिसके बाद बस में आग लग जाती है। जानकारी मिल पा रही है कि इसमें 30 लोग सवार थे। हालांकि अब इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के गुना में देखिए किस तरीके से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जानकारी मिल पा रही है कि 50,000 घायलों को आर्थिक मदद के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया इस पूरे मामले का, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। 12 लोगों की मौत की खबर है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल पा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि मरने वालों का आंकड़ा 13 पहुंच चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद इस हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है।